हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ ही कार्तिक मेले का समापन हो जाता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध पुष्कर में हर साल कार्तिक में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करने के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। यूं तो यहां देवउठनी एकादशी से विशेष स्नान शुरू हो जाता है, लेकिन पुष्कर स्नान का महत्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में सबसे लाभदायक बताया है। जहाँ यात्री आस्था की डुबकी लगा के पुण्य कमाते हैं, और ये जो एकादशी से पूर्णिमा पंचदिवस स्नान का जो ये समय आता है, इस समय 33 करोड़ देवी देवता अदृश्य रूप में आके ब्रह्मा जी गायत्री जी की स्तुति करते हैं और यहाँ अदृश्य रूप में अपना ध्यान लगाते हैं। कार्तिक महीने में स्नान करते तो सुबह मंदिर जाना, मतलब सुबह 4 बजे उठ के मंदिर में पाठ पूजा वगैरह भजन वगैरह करना, मंदिर जाते हैं सुबह जल्दी, एक टाइम खाना खाना हमेशा ही, मतलब कोई वास भी करता है पूरे टाइम खाना नहीं खाता, वरना एक टाइम खाना खाते हैं। यहाँ आके ही अपने आप को एक पीसफुल महसूस करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ आने पे ही आई है। मैं तो सबसे निवेदन भी करती हूँ कि आप लोग यूथ आइए और देखिए यहाँ की जो वाइब्स आप लीजिए, आएंगे तब आपको महसूस होगा। एकादशी के बाद पूर्णिमा तक यदि आप दीप का ध्यान करते हैं तो आपके सारे पापों का हरण होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम कार्तिक नहा रहे हैं तो कि भाई पुष्कर का स्नान करना जरूरी होता है, जो पंच तीर्थियों के अंदर जो 11 से लेकर पूर्णिमा के बीच में किया जाता है, तो उसके लिए हमने आज का दिन चुन के फिर यहाँ पे नहाया कि भाई यहाँ नहाने से ना सारे स्नान होते हैं वो सब यहीं पे हो जाते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने के अंदर सूर्योदय से पहले स्नान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उसमें भी पुष्कर झील में आकर के अगर आप स्नान करते हैं तो उसके ज़्यादा महत्व होते हैं। हर एक महिला जो कार्तिक स्नान करती है उसका सपना होता है कि वो एक बार आकर के पुष्कर झील में ज़रूर स्नान करे। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर न केवल भारतीय सैलानी बल्कि विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर जो आध्यात्म का नज़ारा देखने को मिलता है वो बेहद अनूठा होता है। यहाँ पर मंत्र और जाप जो आपको सुनाई देते हैं वो एक अलग तरह की धुनें पैदा करते हैं। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ दूरदर्शन समाचार के लिए पुष्कर।